है देखो एसी लेने फाइनली आ गए। सस्ती भी है यार। ये हमें हमारे एक भाई मिले हैं सब्सक्राइबर आयुष श्रीवास्तव। ये चीजें मैं तब करता हूँ जब मैं कार से कहीं जा रहा हूँ। हमारे जो टीचर हैं आज बने हैं अभिषेक भाई, और ये चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे हैं भाई? ये मैथ के टीचर हैं और ये पढ़ा ये रहे हैं। मिटा लो इसे, गंदी बात। डिपार्टमेंट फिजिक्स से। डिपार्टमेंट फिजिक्स है। आज हम पढ़ाई नहीं, आज बातें करेंगे। आज बच्चों से उनकी दिल की बात पूछो, कौन किसे लाइक करता। हाँ भाई बताओ किसे लाइक करते हो आप? मुझे लग रहा कुछ और ही फोन में देख रहा मनोज का गुड्डा राज मनोज भाई। ये हमें हमारे एक भाई मिला है सब्सक्राइबर आयुष श्रीवास्तव। कह रहा भाई मैं आपका ब्लॉग देखता हूँ, भले इंस्टा पे देखते हैं लेकिन देख रहे हैं। तो हमारे लिए ये दिल से प्रिय हैं। और भाई क्या कहते हैं, अपनी इंस्टा आईडी बता दो, फॉलो करना भाई आयुष 1222। तो अभी मैं आया हुआ हूँ आरटीओ कुछ काम से, मेरा काम नहीं है, ऋषभ का काम है, उसके काम से आया हुआ। मेरे आँख में वो भी चला गया। तो क्या कहते हैं मैं अभी, अरे आवाज़ बहुत। तो अभी मैं आया हुआ हूँ आरटीओ, और अभी है ऋषभ का काम, उसका लाइसेंस बनना, उस काम से हम लोग आए हैं। पिंकू भैया आए यहाँ पे, उनका मतलब केबिन में, उनका मतलब जो भी है वो काम यहाँ पे करते हैं लाइसेंस, तो उनके पास आए। देखो मिल जाए फटाफट, फिर हम बात करें, फिर हम निकलें यहाँ से। बहुत गर्मी हो रही है वैसे भी, हम तो प्यास के मारे मरे जा रहे हैं। सो गया क्या भाई? उठ जा, हालत देखो इसकी कैसी हो गई, हमारी भी देख लो कैसी। धीरे धीरे काले हो रहे हैं, धीरे धीरे हम तो अभी हो गए भाई। यार ये रियल मंदिर भाई, यार तो भाई अभी हम आरटीओ आए, और इनकी जो डेट है वो लर्निंग वाली नहीं भाई, इनकी जो डेट है लर्निंग वाली वो 28 तारीख को ख़त्म होगी, ठीक है। और ये आ गए उससे पहले ही, तो उन भैया ने कहा कि अगले मंथ में आओ 1 तारीख को, तब हम चेंज करवा पाएंगे, क्योंकि अभी ख़त्म हुआ नहीं है डेट, और तुम पहले से ही कैसे आगे बढ़वा सकते हो, क्योंकि भाई इनके पास स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो ने चलानी आती नहीं है, और पल्सर उल्सर बुलेट उलट तो चला लेते हैं, अब स्कॉर्पियो ने आती नहीं है चलाने, तो वहाँ पे टेस्ट बिना करे जो पास होंगे नहीं। अब देखो भाई क्या हो इनका। ये आ गए अभिषेक हमारे, ये हमारे पता नहीं कहाँ खो गए थे बेचारे, टेंशन में, अब लाइसेंस नहीं बन पाएगा इनका। क्या हुआ भाई? बोल रहे हैं पैसे बाद में बताऊंगा जब आओगे आप। अच्छा अच्छा चलो चलो भाई फिर निकलते हैं यहाँ से घर। तो भाई अब मैं पी रहा हूँ फ्रूटी, क्योंकि गर्मी आ गई है। आरटीओ में बहुत काम था, थक गए हम, इतनी देर का काम नहीं था, 5-6 मिनट का ही कुल काम था। और ये दोनों अपना पता नहीं क्या खा पी रहे हैं, मुझे नहीं पता ये अपना क्या खा पी रहे हैं, यहाँ पे खड़े भी नहीं हैं आस पास। वो शॉप के अंदर है, हम शॉप के बाहर हैं, आराम से खड़े होके खा रहे हैं। अपना यहाँ रोड चल रहा है। ये चीज़ें मैं तब करता हूँ जब मैं कार से कहीं जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ कहीं पर भी छोटी मोटी दुकान पर, उसके बाद फ्रूटी या कोल्ड ड्रिंक पीने में मज़ा ही आता है। तो अभी हम आया लाल की गाड़ी में पेट्रोल भरवाने, पेट्रोल पे आज भीड़ देखो कितनी है, ऐसा लग रहा फ्री में बैठ रहा है। गाड़ी में पेट्रोल भरना हो गया स्टार्ट, 400 रुपये का हमने बोला है। 26 हिसाब से पैसे गिने जा रहे हैं, उस हिसाब से आप समझ गए कि हम कुछ लेने जा रहे हैं, और हम क्या लेने जा रहे हैं वो आपको पता ही चल जाएगा थोड़ी देर में। तो हर्षित तो रेडी है कार वार अपने निकाल के। कौन कौन जा रहा है? हम चार और आप और लकी भैया, चलते हैं दिखाते हैं। मैं तो आगे बैठता हूँ, हम तैयार तो हैं। तो अभी आपको अभिषेक ने बताया ही होगा पैसे भी क्यों गिने जा रहे हैं। मम्मी पापा भी अपने संग हैं, हर्षित गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं इधर पे, अभिषेक जी आगे बैठे हैं जो थोड़े दिन लकड़े कर रहे थे जाने में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं किशोरी ग्रोवाल वाले भैया, लकी भैया, आशीष भैया। हम पहुंच चुके हैं,
आए थे वो एसी लेने फाइनली आ गए। मम्मी का हमारा रेफ्रिजरेटर का मन बनना धीरे से, खुश हो रही हैं देख के, कहीं मूड ना बदलने दे भाई। ले लेंगे बाद में भाई। अब देखो एसी का फाइनल हो गया, लक्की भैया थोड़ा कंसेशन की बात कर रहे हैं और हमारा अभिषेक खुश है। अब तो एडिटिंग आराम से हो जाएगी ठंडे बैठ के। अब तो सुन मारो एडिटिंग, तुम देखो मेरा काम है सुनने का। ये वॉशिंग मशीन ले लेंगे, 40 ही कर लो भैया। तो 500 रुपया कहना पड़ता है, आप कहने जरूरी नहीं है। हम आपको होता था एक तरफ काम तो बता दे, फिर आप कहते 40 कर लो तो फिर हम कहते हैं ज्यादा दे देते आप। सर्विस अच्छी बिल दे दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने ब्लॉगर भी है तुम्हें पड़ोसी। टीवी तो मुझे बहुत सुंदर लग रही, काफी सस्ती भी है यार। ये नहीं अच्छी है, सामने वाली चलो चलिए इसके और अच्छी है, इससे भी बढ़िया है यार। पूरा देखो हमारी MI की QLED और जो है 2 लाख की हमारी है 55,000 की, कितना फर्क है। हाँ जो ऊपर वाली जो है 1,99,900, ऊपर वाली भी 2 लाख की है, नीचे वाली भी। इसकी बेजल्स कम है सर। हाँ इसके बेजल्स ज़्यादा बढ़िया, QLED है हमारी भी, QLED है। ये TV होनी चाहिए, ये 75 इंच की है। 2.5 लाख में 5 TV आएंगे हमारी वाली, छोटी वाली तो अलविदा आएंगी, छोटी वाली तो पूरी वो खा। चलो हो गया बिल, आ जा। चलो भाई बिल हो गया, अब हम जा रहे हैं घर। ये बहुत वो कर रहा था, 30,000 रुपये का AC लिया इसने, और 30,000 का तो नहीं है। ये मुझे लेके आए बोले वो जनरल लेंगे, मगर ये निकले भरपूल वाले भैया। अब देखो मेरा फोन इनने दिलाया, अब अगर कुछ बात हुई कल को तो भैया मुझे नहीं पता, और अब की कमी भी नहीं होनी चाहिए कि दीदी ने, वरना मेरे मूड खराब हो जाएगा। तो गाइस अभी सारा काम हो चुका है, AC हमारे पीछे मतलब पीछे से वो भेज रहे हैं, तो अभी AC लगेगी। ऑटो क्या, ऑटो क्या, वो रिक्शा नहीं होते उनसे भेज रहे, हमने कि हम ले जा रहे हैं कार से, क्यों पैसा फालतू दें, लेकिन वो बोले नहीं सर आपकी फिर जिम्मेदारी हो जाएगी, तो हमने कोई बात नहीं फिर आप ही भेजें, 2,250 रुपए चक्कर में हमें अपनी दिक्कत नहीं झेलनी है। तो बने रही सर जिम में, बहुत मतलब अच्छी किस्मत थी जो अच्छे टाइम पे AC ले ली, 5-star ली है, वर्लपूल ली है 1.5 टन और 71,900 की थी, तो डिस्काउंट वगैरह में सब हमें पड़ी है 44,000 की। हम खुश हैं, 44,000 में तो आराम से मज़ा आएगा, और 8 से 10 घंटे अगर चलाएंगे तब भी 2,000 या 3,000 बिल। 8 से लेकिन अब मुझे थोड़ा सा ना दोस्तों से थोड़ा सा हाथ ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करके थोड़ा समेटना पड़ेगा। तुम बेटा गाड़ी चलाओ ठीक है। तो भाई अब मैं आ गया हूँ घर, और एक मिनट रुको। तो अब मैं आ गया हूँ घर, और अभी मैं जे को जाना है फॉर्म भरवाने, तो अब मैं फॉर्म भरवाने जा रहा हूँ। बरेली कॉलेज का रिजल्ट आ गया, तुम्हारा भाई पास हो गया है 68 पॉइंट कितनी बनी है, 68 कुछ समथिंग बनी है, मुझे ध्यान नहीं है, पहले वाले में 72.8 थी वो अच्छी थी इसलिए याद है अभी भी, और ये वाली मेरे को याद नहीं है। ये भाई साहब आते हैं यहाँ देखो सो गए, अब सो गया गया, कॉल पे बात कर रहा हूँ पता नहीं किससे, और अब मैं जा रहा हूँ सीधे आधी कॉल कर रहा हूँ, सीधे जाऊँगा कैफे फॉर्म वॉर्म भरवाऊँगा। अब गर्मी नहीं लगेगी एडिटिंग के समय। तो भाई अभी मैं फॉर्म भरवा के आया हूँ, फिर मैं उसके बाद नहा लिया, और क्या कहते हैं मैं काला लगने लगा हूँ वाकई में। अभिषेक और आर्यन सब सही कहते हैं, क्योंकि ये दिख रही है वाव की सनस्क्रीन ये ऊपर का ही, मैं कल खिसे आ गया था इस पर जब मैंने तोड़ दिया ऊपर का, फेंक दी थी मैंने तो यार भयंकर गंदा काला कर दे रही है हमें पता नहीं क्यों। इस टाइम पे हम चमक रहे होंगे बिल्कुल, और अपनी AC दिखाऊं, AC भी आ गई है। देखो भाई अपनी AC ये आ गई है, ये आ गया है अपना बाहर का जो क्या कहते हैं आउटडोर यूनिट है वो है रखी ये, और ये इनडोर यूनिट है। अब पता नहीं हमें भैया बोलते क्या इन दोनों को, और हमने अपना कनेक्शन भी हो गया ये वाला, ये देखो ये तार आ रहा है यहाँ से, वो हमें चेक करके दिखा लेगा, हमारा जो इलेक्ट्रीशियन है वो आएगा शाम को। और रही बात फॉर्म की, तो फॉर्म भैया ऐसा है कि भर ही नहीं पाया, फॉर्म में आए दिन झाड़ हो रहा है कि सब्जेक्ट जो चेंज कर दो वो चेंज कर दो, हमारी तो ऐसा लग रहा है कि मामला ख़राब हो गया है, क्या करें। बाल भी सब मैं सोच रहा हूँ बाल भी कटवा लूँ, मैं बहुत मूड ख़राब हो रहा है यार, कुछ नहीं समझ आ रहा, और हम तो गर्मी आ गई है ऐसा लग रहा है कि हम कभी बेकार हो जाएंगे, गलते जा रहे हैं। तो भैया हमारे आ चुके हैं, अब हमारी AC की फिटिंग हो जाएगी।
भैया कह रहे हैं पाइप लेके आओ, घर पे पड़ा नहीं, हम लेके आए। तो अगर पहले पता होती पाइप भी लेके आना है तो हम ले ही आते। फिलहाल हम लेके जा रहे हैं, इसी साइज का लेके आना है, हमारे साथ जा रहा है हट से। तो अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। तो ताई ने कहा है, मतलब जो दुकान के मालिक है, उन्होंने बोला है कि जो एसी लगा रहे हैं उनमें से कोई साथी वाला हो, साथी हो उनका, उनका साथी भेज दो। हाँ, उनको साथी भेज दो। तो भाई हमारा एसी तो नंगा पूरा नंगा है, कवर यहाँ पे रखा है, हमने ट्यूबलाइट निकलवा दी है, अब हमें थोड़ी सी लाइटिंग की दिक्कत होगी। अब वो भैया उस साइड से वो पाइप जा रहे हैं। अरे ये देखो, अब ये हमारा यहाँ पे निकल चुका काफी, अभी तो बहुत साफ सुथरा लग रहा, कुछ दिन बाद ये गंदा लगेगा। और देखो कितना ज्यादा गड्ढा हो गया। अभी मैं सामान गैस निकल गई शायद अंदर, अभी मैं जाके आपको सामान दिखाऊंगा, आप बताना कि मेरे को कि इतने का लग रहा आपको या नहीं। आज थोड़ी चलेगी, चलेगी क्यों नहीं, बस तक रहेगी भैया, आज ही पूरी रेडी हो जाएगी। जाओ देखो ना यहाँ क्यों फोन, वीडियो ये वीडियो कैंसिल करके वो वीडियो देखो। फॉर्म मंगाया भैया ने, पता नहीं क्यों शायद पाइप की सफाई गई। ये भैया मतलब ऐसे ये फॉर्म से क्या होगा? नहीं लीक चेक करता, बाई चांस कभी रह जाती है, टाइट कसने में ज्यादा टूट जाता है।